हेलो दोस्तों, ये है बर्थडे केक का पार्ट टू वीडियो। तो इसमें हम चॉकलेट स्पॉन्ज केक बनाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मैदा लिया है 1.25 कप, मतलब 1 कप और 3/4 कप। नीचे मैंने एक बड़ा सा बोल रखा है और उसके ऊपर ये छन्नी रख दी है क्योंकि हमें इन्हें छानना है। फिर मैंने ये कोको पाउडर लिया है 3/4 कप, बेकिंग पाउडर लिया है 1.5 छोटी चम्मच, बेकिंग सोडा लिया है 1 छोटी चम्मच, नमक लिया है 1/2 छोटी चम्मच। सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेंगे हम ताकि इसमें कोई गुठली ना बने। तो देखिए, हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान कर तैयार कर लिए हैं, इनको साइड में रख देंगे। अब मैंने ये एक दूसरा बाउल लिया है, इसमें 1 और 1/3 कप चीनी डाल रही हूँ। आप इसे पीस कर भी डाल सकते हैं ताकि ये जल्दी घुल जाए। 1/2 कप सनफ्लावर ऑयल डाल रही हूँ मैं, आप इसकी जगह पर बटर भी ले सकते हैं। पहले हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लिए हैं ताकि हम उसी कप्स और स्पून का यूज़ करके वेट इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट कर सकें। शक्कर और तेल को अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 कप दही, 1/2 कप दूध, विनेगर 1 बड़ा चम्मच। मैंने ये 1/2 कप गुनगुना पानी लिया है, उसमें 2 छोटी चम्मच कॉफ़ी डाल दी है। मिक्स करके इसे भी डाल देंगे। कॉफ़ी डालने से चॉकलेट केक का टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है, इसलिए मैंने डाली है। वैनिला एसेंस डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे। इसमें जो चीनी वगैरह डाली है वो भी घुल जानी चाहिए। तो ये हमारा वेट इंग्रेडिएंट्स का मिक्सचर तैयार है। अब हम इसे धीरे धीरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स में डाल के इसका अच्छा सा बैटर तैयार कर लेंगे। हमें इसे हल्के से मिलाना है, बहुत ज़्यादा फेंटना नहीं है हमें। हल्के हाथों से बस ड्राई इंग्रेडिएंट्स और वेट इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिला लेने हैं और एक ही डायरेक्शन में हमें इसे फोल्ड करना है। तो बस हमारा बैटर बनकर तैयार है। अब मैंने ये 2 6 इंच के केक टिन लिए हैं। तो देखिए, मैंने एक ओवन शेप पैन लिया है और दूसरा मैंने कुकर का एक डब्बा लिया है। तो अगर आप कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो कुकर का डब्बा लें, और अगर आप ओवन में करना चाहते हैं तो ओवन सेफ डिश की ज़रूरत रहेगी आपको। इसको हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आपके पास पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर है वो भी लगा सकते हैं। अब मैं इसमें केक का बैटर हमने जो तैयार किया था वो डाल रही हूँ। बस 1/2 से थोड़ा ज़्यादा ही भरना है हमें। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं भरना है क्योंकि केक फूलकर डब्बे से बाहर आ सकता है, इसलिए 1/2 से थोड़ा ज़्यादा ही भरना है हमें। थोड़ा सा डब्बों को ऐसे टैप कर लेंगे ताकि इसमें से जो एयर बबल्स वगैरह है कोई तो वो निकल जाए। मैंने ये बड़ा बर्तन प्रीहीट कर लिया है। नीचे मैंने नमक डाला है और उसके ऊपर स्टैंड रख दिया है। तो 10 मिनट के लिए हमें हाई फ्लेम पर इसे प्रीहीट करना है। और अब मैंने ये डब्बा इसमें रख दिया है। इसे हमें 30 से 40 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बेक करना है। दूसरा केक का डब्बा मैं ओवन में डाल रही हूँ, तो इसे 180 डिग्रीज पे 30 से 35 मिनट के लिए हमें बेक करना है। ओवन प्रीहीट कर लेना है पहले। तो 30 से 40 मिनट बाद मैंने ये दोनों बर्तन निकाल लिए हैं। केक भी अच्छे से पक चुका है। इसे मैंने थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया था और अब मैं इसे निकाल रही हूँ। निकालते वक्त हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, धीरे से चाकू से इसके एजेस को पहले फ्री कर लेना है और फिर इसे निकालना है। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों केक निकाल लिए हैं। बहुत ही मॉइस्ट और स्पॉन्जी बना है हमारा चॉकलेट केक। तो देखिए, मैंने जो बर्तन में केक बेक किया था वो थोड़ा सा अंदर चला गया है। इसका मतलब कि हमारा बर्तन अच्छे से प्रीहीट नहीं हुआ था। तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है, आपको बर्तन को प्रीहीट होने देना है 10 मिनट के लिए। तो ये वाला चॉकलेट केक खाने में बहुत ही टेस्टी, स्पॉन्जी और मॉइस्ट होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो ये था हमारा बर्थडे केक का दूसरा पार्ट। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।